हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्टेंट लाइफ एडिक्ट ग्रुप चैनल। दोस्तों मेरा नाम दिल साद और आज किस नए वीडियो में हम कवर करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा ओडीआई मैच होने वाला है चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में। अगर आप सोच रहे हैं इस मैच में अपनी ग्रांड एक टीम, स्मॉल एक टीम या तो हेड टीम बनाने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज में आप लोग आ चुके हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे इस वीडियो में आपको इस मैच से जो है रिलेटेड रिकॉर्ड्स, विन रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, ग्रांड की टीम, कैप्टन वाइज कैप्टन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला है। गाइस अगर हम बात करें मैच स्टार्ट कब होगा, 22 मार्च इंडिया टाइम अकॉर्डिंग 1:23 यानी कि दोपहर के बाद। टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस आपको पता है दो ओडीआई मैच हो चुके हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि एक मैच को इंडिया ने विन किया और एक को जो है ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। दोनों टीम जो कि एक एक पॉइंट से लीड कर रही है। थर्ड ओडीआई में जो कि जो भी टीम दोस्तों मतलब कि विन करेगी गाइस और मैच को विन करेगी, तो आप समझ लीजिए कि इस ओडीआई का सीरीज भी वही टीम विन करने वाली है। आपको क्या लग रहा है गाइस, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कौन सी टीम विन करने वाली है। एंड बात करते हैं गाइस हेडक्वार्टर्स की, दोनों टीम के बीच में जो है लास्ट 3 ईयर्स में टोटल जो है 5 ओडीआई मैच खेले गए, जिसमें कि इंडिया को 2 बार विन मिली है और ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों 3 बार विन हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे हेडक्वार्टर्स अगर हम देखते हैं लास्ट 3 ईयर्स में एडवांटेज जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के पास है। दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एमएच चिदंबरम स्टेडियम जो कि चेन्नई और इस स्टेडियम में गाइस ये मैच होने वाला है। एंड अगर हम बात करें डिटेल्स में इस पिच के बारे में कि किस प्रकार से बिहेवियर कर सकती है और यहाँ पे रिकॉर्ड क्या रहा है, देखिए इस फैंटेसी एप्लीकेशन पर तो आपको ये पिच बैलेंसड दिखा रहा होगा, ठीक है, और मैं भी मानता हूँ कि बैलेंसड है, बट यहाँ पे जो रिकॉर्ड है गाइस तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो लग रहा है भाई यहाँ पे 230 या प्लस इससे स्कोर बनता है, तो गाइस आप समझ जाइएगा कि मतलब ये तो फिलहाल बैटिंग फ्रेंडली पिच हो सकती है। बट बैलेंसड ये रहेगा गाइस कि यहाँ पे बॉलर्स को भी एडवांटेज रहेगा। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 230 का स्कोर रहेगा और 20 इनिंग में बात करते हैं 210 का जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड है गाइस। टोटल ओडीआई इंटरनेशनल मैच जो कि 11 खेले गए, जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग करेंगे उसने 7 विन करें और जो टीम चेज कर रही है उसने यहाँ पे 4 विन करें। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज जो टीम पहले बैटिंग करती है विनिंग चांसेस उस टीम के ज़्यादातर हो सकते हैं। हाईएस्ट रिकॉर्डर की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए काफ़ी पुराना मैच मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एशिया एक्सेल, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, ग्रुप ए के मैचेस होते हैं दोस्तों, ठीक है, ग्रुप बाय ग्रुप होते हैं, तो उसमें जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड बना था, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी वाली टीम ने बनाया था 337 रन 7 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक्सेल के गेस्ट बनाया था दोस्तों, हाईएस्ट रिकॉर्ड जो कि था। लोवेस्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम ने बनाया है, ठीक है, 165 पे जो कि 10 विकेट गंवा दी है 47 ओवर में। एंड हाईएस्ट स्कोर जो कि दोस्तों यहाँ पे चेस हुआ है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में, जो कि 2019 में मैच खेला गया, जिसमें अगर हम बात करें गाइस यहां पे इंडिया टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 287 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम जो है चेज करते हुए 291 रन बना रहे थे 2 विकेट के नुकसान पे 47 ओवर में ही मैच को विन कर लिया था। और ये स्टेडियम का लास्ट ओडीआई मैच था, तो ये था जो कि रिकॉर्ड इस स्टेडियम का। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो फिलहाल देखिए जो लास्ट वाला रिकॉर्ड था यहाँ पे गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगाएंगे जो कि फर्स्ट इनिंग में देखते हैं दोस्तों, पेसर को 7 विकेट मिली थी यहाँ पे ये वाले मैच में इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज का जो कि लास्ट मैच था इसी ग्राउंड का, और दोस्तों स्पिनर को 1 भी विकेट नहीं मिली थी। 20 इनिंग में बात करते हैं गाइस, जब यहाँ पे फिलहाल वेस्ट इंडीज टीम चेज कर रही थी 2 ही विकेट गिरी थी, जिसमें दोस्तों पेसर को ही दोनों को दोनों विकेट मिली थी, ठीक है, मोहम्मद शमी को और एक अदर बॉलर था, ठीक है, उनको दोनों को। तो यहाँ पे स्पिनर के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा कुछ खास नहीं रहेगा, बट T20 मैचेस दोस्तों यहाँ पे जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं पिच, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पिच रिपोर्ट मैंने रख दिया है। मतलब गाइस यहाँ पे कुछ अगर हम मैचेस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो पिच जो कि थोड़ी बहुत धीमी भी हुई है और उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे स्पिनर को एडवांटेज मिला है, मतलब ज़्यादातर बाउंस हो नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए स्पिनर को भी हेल्प मिल रही है और बैट्समैन के लिए थोड़ी दिक्कत भी होगी गाइस यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो T20 मैचेस हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो रिकॉर्ड था ओडीआई को आपने देखा है। बट अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे 11 ओडीआई में जो कि जिनका रिकॉर्ड, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 300 क्रॉस नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं तो मतलब कि ये जो कोई पिच रहेगी तो थोड़ा बहुत बैलेंसड हो सकती है। ये दोस्तों पिच रिपोर्ट थी, बाकी अगर हम बात करें और जो अपडेट रहेगा पिच रिपोर्ट से रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ पे टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम पाना चाहते हैं और जो लॉस हुआ गाइस आपका बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके, तो यार उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, स्टेप 1 है जो कि जिस वीडियो को देख रहे हैं गाइस उसके आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ओपन होता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। एंड गाइस यहाँ पे फिर से अगर मोर का ऑप्शन आता है तो फिर से आपको मोर पे क्लिक करके ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन माई रियल टेलीग्राम चैनल। वैसे आपको इन लिंक में जो दिख रहा है दोस्तों इस पर किसी पर भी क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, पोस्ट वगैरह दिखेगी, तो दोस्तों आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यही लिंक से आपको करना है। अदरवाइज आप सर्च करते हैं गाइस मेरा नाम, तो फिलहाल आपको जो है फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल के प्रोफाइल में जाकर के गाइस ये वाला जो कि लिंक आपको जरूर देखना है।
अगर यहाँ पे क्लिक करने बाद दोस्तों जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं ये ओपन होता है तो समझ लीजिए मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है। गाइस बात करें इंडिया टीम के प्लेइंग के बारे में जो रिसेंट आपको देखने को मिली थी वही रहने वाले। अगर कोई चेंजमेंट होता है तो प्रिंसिपल भी आपको शो करूंगा एंड टेलीग्राम चैनल तो आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिए। कैसे ज्वाइन करना वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए इस टीम के जो ओपनर है रोहित शर्मा, शुभमन गिल। रोहित शर्मा की बात कर रहे थे गाइस रिसेंट दो मैच हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं पहले सॉरी एक मैच है जिसमें कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 रन लास्ट वाला मैच है। बाकी रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्ट खेल करके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कुछ खास कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिले थे दोस्तों। हेड कोच टोटल इन्होंने जो है 41 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जिसमें कि 54 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे टोटल 6 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 110 रन है 22 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे रोहित शर्मा भी इस ग्राउंड पे फ्लॉप हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिसाब से इनको रखना है किस हिसाब से नहीं रखना है। बाकी आपने देखा है रिसेंट कैसा परफॉर्मेंस था दोस्तों तो मेरे हिसाब से वेन रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी हेड रिकॉर्ड्स को देखते हैं दोस्तों टीम में रख सकते हैं बट ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। इनके साथ दोस्तों जो ओपन करने हैं शुभमन गिल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देख रहे हैं तो दो मैच इन्होंने खेले जो कि अभी ओडीआई के जिसमें कि पहले मैच में 20 है उसके बाद फिर 0 पे आउट हुए जो कि टेस्ट मैच इन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। यहाँ पर दोस्तों हाइस भी आया था 128 का बाकी कुछ खास नजर नहीं आते बट जो कि इनका ओवरऑल ओडीआई मैचेस बढ़िया रहता है। बाकी अगर हम देखते हैं हेड क्वार्ट्स के 3 मैच दोस्तों 53 रन है 17 की ओर से बैटिंग करते हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में पूरी तरीके से फ्लॉप है। एंड वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो फिलहाल इनका वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है बट आपको गाइस बता दूं कि इनको सभी टीम में लेकर के नहीं जाएंगे क्योंकि रिसेंट दो मैच हैं आप देख सकते हैं और सामने वाली टीम का देखिए बॉलिंग लाइनअप भी ठीक ठाक है जिस हिसाब से मिचेल स्टार्क आउट ऑफ फॉर्म थे बट अगर आप देख रहे हैं तो दो मैचेस में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिले तो यार मेरे हिसाब से शुभमन गिल या तो रोहित शर्मा दो में किसी एक को ही रखना है। बाकी अगर आपको बता दूं ये टीम चेज करती है तो फिर आप दोनों को लेकर के जा सकते हैं। चेसिंग दोनों का ही गजब है तो फिर दोनों को आप पिक कर सकते हैं। वन डाउन बैट्समैन विराट कोहली जो कि राइट हैंड बैट्समैन है रिसेंट फॉर्म दो मैच इन्होंने खेले जिसमें कि पहले मैच में 4 रन उसके बाद फिर 31 एंड टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखते गए तो यहाँ पे इनके भी बल्ले से 186 का स्कोर आया था बाकी कुछ कंसिस्टेंट नहीं रहे। एंड ओडीआई की बात करते हैं गए देखिए आपने श्रीलंका या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका देखा जो कि मैच देखा था ओडीआई का कुछ खास नजर नहीं आए थे बाकी 70 आया था दोस्तों ठीक है। टीम में रखना है कि नहीं रखना हेड क्वार्टर्स 45 मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जिसमें कि 47 का उससे बैटिंग करते हैं। इस ग्राउंड पर टोटल जो है 8 मैच में 42 का उससे बैटिंग कर रहे थे। यार देखिए रोहित शर्मा ने ग्राउंड पर खेला बट उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। विराट कोहली कंसिस्टेंट है ग्राउंड पे भी तो यार दोनों को आप ड्रॉप करते हैं फर्स्ट इनिंग में तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को पिक करना तो बनता ही है। एंड उसके बाद बात करेंगे केएल राहुल के जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट दो मैच है जिसमें कि पहले मैच में आपने देखा 75 वो भी नॉट आउट उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9 ठीक है। एंड उसके बाद हेड कोच के टोटल मैचेस की बात करते हैं तो 10 मैच इन्होंने खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जिसमें कि 40 की ओर से बैटिंग करें। इस ग्राउंड पे इनका एक मैच है जिसमें कि 6 ही रन है दोस्तों। एंड अगर हम बात करें देखिए रिसेंट फॉर्म तो यहाँ पे दो मैच में कुछ कंसिस्टेंट देखने को मिला है दोस्तों। पहले मैच आपने देखा यहाँ पे 75 वो भी चेस करते हुए और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए तो आप समझ गए होंगे इनको कब ट्राई करना है। चेसिंग दोस्तों इनका केएल राहुल का जो कि बढ़िया है तो टीम में मेरे भाई इनको आपको रखना ही पड़ेगा ठीक है। केएल राहुल को आप ट्राई जरूर करिएगा। सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट अगर आप देख रहे हैं दोनों मैचेस से फ्लॉप है भाई मैं इनको दोनों टीम सभी टीम से ड्रॉप करके आ रहा हूँ आपको पता होगा। एंड आपको मैंने क्लियर किया था कि टी ट्वेंटी मैचेस के काफी अच्छे प्लेयर है दोस्तों बट ओडीआई जो कि अभी तक इनका मैंने कुछ खास देखा नहीं है दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं दो मैच में लगातार ये फ्लॉप है पूरे तरीके से फ्लॉप है। हेड क्वार्टर्स के दो मैच है जिसमें कि 2 ही रन दोस्तों इनका खाता तक अभी भी फिलहाल खुला नहीं है। रिसेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा रिकॉर्ड इनका नहीं है बट अगर आप स्मॉल लीग हेड वेट लेकर के जाते हैं तो फिलहाल ट्राई भी कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका बैटिंग ऑर्डर अगर दोस्तों डाउन किया जाए नीचे बैटिंग कराई जाए तो कुछ अच्छा एक्सेप्ट आ सकता है क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे वहाँ पे इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा बहुत ही ताबड़तोड़ वाली और जो कि हिटिंग करने के लिए सोचेंगे बट बीच मैच में दोस्तों उनको उतारा जाता तो आप समझ सकते हैं कि हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है क्या वजह है जो कि फ्लॉप जा रहे हैं तो कॉमेंट्स जरूर करिए। बाकी फिलहाल के लिए इनको हम ड्रॉप करेंगे। हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं राइट हैंड बैट्समैन राइट फास्ट मीडियम बॉलर रिसेंट फॉर्म दो मैच हैं जिसमें कि पहले मैच में दोस्तों 25 रन प्लस 1 विकेट दूसरे मैच में 1 रन प्लस 0 विकेट। रिसेंट गजब है यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका फॉर्म रहा है 54 रन प्लस 1 विकेट 21 रन प्लस 0 विकेट 2 विकेट 15 रन प्लस 1 विकेट 30 रन प्लस 4 विकेट के कंसिस्टेंट तो हैं पेसर को जिस हिसाब से लास्ट ओडीआई मैच में यहाँ पे इस ग्राउंड पे ओडीआई में परफॉर्मेंस मिली दोस्तों तो फिर इनको टीम में तो रखना ही पड़ेगा। हेड क्वार्टर्स की बात करेंगे और जो है 11 मैच इन्होंने खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 34 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं 9 इनिंग बॉलिंग है जिसमें 8 विकेट निकाली हुई है। एंड दोस्तों वेन्यू पे एक मैच में 83 रन है 1 मैच में 2 विकेट है। इस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे तो टीम में मेरे हिसाब से रखना पड़ेगा और कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी आप कर सकते हैं जो जिस हिसाब से इनको वेन्यू पे हेल्प मिल रही है। दोस्तों रविंद्र जडेजा की बात करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है। रिसेंट फॉर्म पहले मैच में अच्छी पारी यहाँ पे 45 रन ओपनिंग नट आउट 2 विकेट चेज करते हुए गए। एंड उसके बाद यहाँ पे 16 रन प्लस 0 विकेट तो मतलब लास्ट वाला मैच फर्स्ट इनिंग में इनका खराब था एंड आपने देखा सेकंड बॉलिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिली है दोस्तों। एंड रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट मैचेस में अच्छी विकेट मिली इनको दोस्तों। एंड हेड कोच टोटल जो है 28 मैच इन्होंने खेले 23 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं एंड 36 इनिंग बॉलिंग है जिसमें 30 विकेट है। तो यार बॉलिंग तो वैसे भी इनकी कुछ खास नहीं है एक मैच को छोड़ करके ऐसा
क्योंकि कुछ फॉर्म आएंगे कुछ जाएंगे, ऐसा करके इनको विकेट मिल सकती है दोस्तों। तो विन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, एक मैच है जिसमें कि 21 रन दोस्तों, दो मैच में इनको 3 विकेट है इस ग्राउंड पे, तो मतलब कहीं ना कहीं यार ये भी थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो हिसाब से टी ट्वेंटी मैचेस हमने देखे हैं इस ग्राउंड पर धीमी पिच हुई है दोस्तों, तो उसके हिसाब से तो रविंद्र जडेजा तो होने चाहिए, स्पिनर को भी हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। तो रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या का एक टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार इंडिया की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है तो आप पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आ रही, तो ये दोनों कुछ अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। अक्षर पटेल की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, रिसेंट फॉर्म एंड एक ही मैच है दोस्तों ओडीआई का जिसमें अभी लास्ट वाला एंड उसके बाद यहाँ पे देखें 29 रन नॉट आउट 0 विकेट है, एंड रिसेंट फॉर्म तो यहाँ पे गाइस कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिले यहाँ पे देखते हैं, बट जिस हिसाब से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से इनको टीम में तो लेकर के ही चलना पड़ेगा। हेड कोच के 5 मैच है जब से 17 ओवर से बैटिंग करते हैं, 4 इनिंग में 4 विकेट है, कंसिस्टेंट है, एंड वेन्यू पे दोस्तों एक मैच में 4 रन है और एक मैच में 1 विकेट है, तो यार टीम में तो उनको लेकर के चलना ही पड़ेगा। जब आप दोस्तों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव सबको ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हो, मतलब जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से, तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या आपके टीम में कंपलसरी ऑब्वियसली आपको रखने ही रखने हैं, तो ये समझ गए होंगे आप। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर से रिसेंट ये भी कुछ खास नजर नहीं आएगा, यहाँ पर देखते हैं पहले मैच इनको 1 विकेट मिले थे उसके बाद यहाँ पे 0, एंड गाइस जो इनका टेस्ट मैच इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने रखा है कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। हेडक्वार्ट 3 मैच में 1 विकेट है और खास करके ऑस्ट्रेलिया के गाइस में इनको कुछ खास हेल्प भी नहीं मिलती, 3 मैच में 1 ही विकेट है, वेन्यू पे दोस्तों इनका 1 भी मैच नहीं, तो मेरे हिसाब से गाइस इनको हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। 2 मैच अगर आप बनाते हैं, मतलब 2 टीम बनाते हैं इस मैच में, तो फिलहाल एक टीम में रखें और एक टीम से टॉप करके जाएं, क्योंकि अभी भी इनका सिलेक्शन दोस्तों हाई रहने वाला है, लोग इनको इनके ऊपर भरोसा करेंगे, हाईएस्ट विकेट मिलेगी, लेकर के जा भी सकते हैं। ये देखिए कुछ क्योंकि इनका रिकॉर्ड ओडीआई का बढ़िया है, आपको पता है नंबर 1 बॉलर्स हैं ओडीआई में, तो उसके अकॉर्डिंग एक टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कुलदीप यादव जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर्स, रिसेंट 2 मैच इनके भी देखने को मिले जिसमें कि पहले मैच में 1 विकेट और यहाँ पे दोस्तों लास्ट वाला मैच जो कि था 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म अगर हम कुछ मैचेस का देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, कंसिस्टेंट है, और आपने दोस्तों श्रीलंका और न्यूजीलैंड के गेम्स में देखा बहुत अच्छा इनको परफॉर्मेंस मिला था ओडीआई के मैचेस में। हेड कोच जो है 19 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करी जिसमें 25 विकेट है, इस ग्राउंड पे 2 मैच में 2 विकेट है, देखिए कहीं ना कहीं स्पिनर के लिए भी कुछ खास है, एंड आप देख रहे हैं जैसे कि रविंद्र जडेजा को भी हेल्प मिली है और कुलदीप यादव को भी दोस्तों, तो टीम में इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव दो में किसी एक को ही रखना, जो कि दोनों के दोनों आउट ऑफ फॉर्म है 2 मैच से। एंड मोहम्मद शमी की बात करेंगे, इस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं जो कि रिसेंट फॉर्म बात करते हैं, तो पहले मैच में 3 विकेट उसके बाद लास्ट वाला 0 विकेट। हेड कोच टोटल जो है 20 मैच में 32 विकेट है और इस ग्राउंड पे 1 मैच में 1 विकेट, जो कि दोस्तों मैंने कहा था आपको इंडिया वेस्ट इंडीज जो कि लास्ट ओडीआई मैच इस ग्राउंड का उसमें दोस्तों इनको 1 विकेट मिले, तो कहीं ना कहीं यार मोहम्मद शमी तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। देखिए थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ गाइस, जो कि पावर प्ले के स्पेल जो है मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज कराते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिए मिडिल पे भी आते हैं ऐसा नहीं, बट पावर प्ले दोस्तों यही दोनों संभालते हैं, एंड उसके बाद फिर डेथ में आपको रविंद्र जडेजा भी देखने को मिल सकते हैं, हार्दिक पंड्या भी देखने को मिल सकते हैं और कुलदीप यादव जो कि मिडिल ऑर्डर पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे आप बेंच प्लेयर की, ईशान किशन जो कि कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिले, एंड एक मैच है जिसमें कि दोस्तों कुछ खास नहीं रहे, 3 ही रन आए थे, तो टीम में आते हैं तो फिलहाल ड्रॉप करेंगे यजुवेन चहल जो कि स्पिनर हैं, एंड दोस्तों ये कुछ कंसिस्टेंट हो जाते हैं आते हैं तो इनको टीम में रखेंगे। इस बात सुंदर जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देते हैं टीम में आएंगे तो सोचेंगे इनको भी, बट बैटिंग ऑर्डर उससे पहले क्लियर करेंगे और कौन सा प्लेयर जो कि यहाँ पर टीम से जाएगा तो वो देखते हैं गाइस, बाकी मुझे नहीं लग रहा कुछ चेंजमेंट होगा। एंड उमरान मलिक की बात करते हैं गाइस, ये भी ओडीआई में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, तो इनको भी हम टीम में ट्राई करने के लिए सोचेंगे अगर टीम में आते हैं तो। शार्दुल ठाकुर दोस्तों एक मैच खेल करके जा रहे हैं जिसमें कि 0 ही विकेट है गाइस, एंड अगर इस मैच में होते जो रिसेंट मैच हुआ तो कुछ अच्छा स्कोर भी बन सकता था, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं आपको पता है, एंड टीम में आते हैं शार्दुल ठाकुर तो फिर थोड़ा सा सोच सकते हैं आप भाई सामने वाली टीम की बॉलिंग हो रही तो बैटिंग उनको भी मिल सकती है। जयदेव नटकर जो कि रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है तो टीम में आते गए तो हम इनको ड्रॉप करेंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 के बारे में गाइस, इस टीम के जो ओपनर है मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, एंड बात करते हैं मिचेल मार्श के बारे में, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर्स हैं, एंड दोस्तों रिसेंट देखिए दोनों मैचेस में कंसिस्टेंट देखने को मिले, पहले मैच में 81 रन उसके बाद लास्ट वाला मैच जो कि 66 वो भी नॉट आउट गेस। एंड हिट कॉर्ड्स की बात करते हैं, 8 मैच हैं जिसमें कि दोस्तों 66 के ओवर से बैटिंग करते हैं इंडिया टीम के गेस में, और फिलहाल हम बात करते हैं वेन्यू पे तो वेन्यू पे एक भी मैच नहीं, बट कंसिस्टेंट है गेस दोनों तरफ से तो इनको टीम में तो लेकर के ही चलना पड़ेगा हमें। एंड जब आपको लग रहा हो इंडिया टीम मैच को विन कर सकती है तो फिर आप समझ सकते हैं फिर ये फिल ऑफ होंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि इंडिया टीम यहाँ पे बैक करेगी और मैच को विन करेगी तो फिलहाल इनको फिर आप फ्लॉप कर सकते हैं, बाकी तो यार टीम में तो रखना ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा रिस्की भी हो सकते हैं इस मैच के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट अगर हम देख रहे हैं पहले मैच में 5 रन,
एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरे मैच में 51 रन वो भी नॉट आउट गए। हेड कोच के साथ मैच उन्होंने खेले जिसमें कि 29 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। वेन्यू में दोस्तों उनका एक भी मैच नहीं है। रिसेंट फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो गाइस कंसिस्टेंट यहाँ पे नहीं रहे, बट जब यार देखते हैं कुछ अच्छा स्कोर नहीं रहता तो विकेट भी नहीं गिरती। जिस हिसाब से इंडिया टीम ने पहले बैटिंग करके कुछ खास स्कोर नहीं बनाया था उस हिसाब से गाइस यहाँ पे इनका जो 51 रन की पारी है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो फ्लॉप ही रहे, तो ज़्यादा रिस्क इनको टीम में लेकर के जाने का नहीं करना गाइस। वन डाउन बैट्समैन स्टीवन स्मिथ जो कि राइट हैंड बैट्समैन कैप्टन भी है टीम के, रिसेंट फॉर्म 22 रन लास्ट वाले मैच दोस्तों को बैटिंग ही नहीं मिली। हेड टू गॉड्स में अगर हम बात करते हैं 62 के ओवर से बैटिंग करते हैं। इस ग्राउंड पे भी दोस्तों उन्होंने एक मैच खेला है जिसमें कि ओनली एक ही रन है। टीम में अगर आते हैं कि रखना है कि गाइस सॉरी टीम में रखना है कि नहीं रखना, रिसेंट फॉर्म देखिए भी कंसिस्टेंट नहीं रहे एंड इनको रखना है तो फिर ट्रेविस हेड को ड्रॉप करना है। ट्रेविस हेड को रखना है गाइस तो फिर आप इनको ड्रॉप करने गाइस ठीक है। मानस लबुशकनी की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है एंड टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है गाइस। रिसेंट इनिंग की पहला मैच इनका 15 रन है, लास्ट ओवर में बैटिंग नहीं करी है। हेड कोच 35 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। वेन दोस्तों एक भी मैच नहीं है एंड रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं कुछ मैचेस की तो यहाँ पे देखिए 23 रन 17 रन टेस्ट मैचेस यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ खास बैटिंग देखने को नहीं मिली है टेस्ट मैचेस में भी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यार मार्नस लबुशकनी को हम ड्रॉप कर सकते हैं एंड सभी टीम से ड्रॉप करने के लिए भी आपको नहीं सोचना क्योंकि मतलब अगर चार टीम के साथ हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं एंड उसके बाद एक टीम से जाएंगे गाइस तो फिलहाल मेरे हिसाब से पिक भी कर सकते हैं, बहुत कम सिलेक्शन होगा इनका। एंड अब बात करें यहाँ पे कैमरन ग्रीन जो कि राइट हम फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं, राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट गाइस दोनों मैचेस में फ्लॉप नजर आए। पहले मैच में देखिए 12 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद फिर लास्ट वाला मैच बैटिंग नहीं बट 6 ओवर कराते जिसमें कि दोस्तों 0 ही विकेट मिली है। तो कहीं नहीं यार कंसिस्टेंट नहीं है ये, तो टीम से मेरे भाई क्या करना है इनको ड्रॉप कर देना अपने। एंड अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा अलग मैच हो सकता है तो ट्राई कर सकते हो, स्पेस वाले प्लेयर भी रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों इनको मिल सकती है। एंड उसके बाद करेंगे यहाँ पे मार्कस स्टॉइनिस की राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म तो आपने देखा पहले मैच में इनको काफ़ी खास विकेट भी मिल गई थी, 2 विकेट लास्ट वाले मैच में स्पेल नहीं मिली इनको ठीक है और ना ही बैटिंग मिली गई, तो फिलहाल मेरे हिसाब से रिस्की हो सकते हैं आपको ये थोड़ा सा पहला वाला मैच देखना नहीं है क्योंकि तो रिसेंट आपने देखा नथिन एलिस टीम में आए बैक हुए तो उसके बाद क्या हुआ इनको स्पेल नहीं मिले ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। हेड कोच की बात करते हैं 42 के ओवर से बैटिंग करते हैं इंडिया टीम के गेस में और फिलहाल 15 इनिंग में 12 विकेट हैं। इस ग्राउंड पे दोस्तों एक मैच में 3 रन है और एक मैच में 2 विकेट है। रिसेंट इनको स्पेल नहीं मिला बट अगर मिलता है तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे एक मैच में 2 विकेट गेस। टीम में आप रखेंगे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटिंग के तौर पर रखें, स्पेल मिल जाते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए हो जाएगा ये आप समझ सकते। बात करते हैं जो कि दित के बैट्समैन एलेक्स कैरी जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, देखिए इनका बैटिंग और थोड़ा सा ऊपर रहता है ठीक है। मार्कस स्टॉइनिस कैमरन ग्रीन से भी ऊपर ये बैटिंग करने आ सकते हैं। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं नजर आया यहाँ पे देख सकते हैं। हेड कोच के इन्होंने 15 मैच खेले इंडिया टीम के गेस में, 34 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। वेन यू पिन का एक भी मैच नहीं है। टीम में रखना है गाइस कि नहीं रखना, तो टीम में आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं जब आप केएल राहुल को ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों तब ठीक है। और ये भी बैटिंग खास कर लेते हैं अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका दोस्तों रहता है, बाकी अभी के लिए फिलहाल इनको हम ड्रॉप करेंगे टीम से। मिचेल स्टार्क जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं दोस्तों, आपने देखा रिसेंट 2 मैच में बहुत ज़्यादा एडवांटेज इनको मिला है। पहले मैच में 3 विकेट, उसके बाद लास्ट वाला मैच में 5 विकेट। रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 विकेट फिर 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है दोस्तों। और जो 2 ओडीआई में चाहिए परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, तो अभी ये सभी के टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन भी रहने वाले। रिसेंट 5 विकेट हैं, मैंने कैप्टन बनाया था आपको बताया हुआ टेलीग्राम चैनल पर, मैंने टीम भी प्रोवाइड की थी दोस्तों और इसमें आपको भी बताया था। हेड कोच की बात करते हैं 15 मैच हैं इंडिया टीम के केस में जिसमें कि 25 विकेट हैं। इस ग्राउंड पे इनका एक भी मैच नहीं है बट परफॉर्मेंस तो भाई बंदे की ठीक ठाक ही है और ये कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं। एंड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि डबल विकेट हैं 107 मैचेस में 211 विकेट हैं, तो आप समझ सकते हैं गाइस मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं एंड आपको टीम में रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। एडन जंपर की बात करते हैं गाइस, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट 2 मैच में लगातार फ्लॉप रहे हैं। देखिए स्पिन के लिए थोड़ी सी बहुत मतलब खास हो सकती है क्योंकि जिस हिसाब से पिच जो कि धीमी है T20 मैचेस में हमने देखा है, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। 2 मैच में लगातार फ्लॉप है, टीम में आप इनको एक टीम में रख सकते हैं। ज़्यादा टीम बनाते हैं अगर एक टीम बनाते हैं तो फिर यार रिस्की हो सकते हैं, बाकी टीम में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सोचें जरूर। यहाँ पे हेड कोच भी इनका देखिए 18 मैच में 27 विकेट हैं एंड वेन पे इनका भी एक भी मैच नहीं है। सेन एबर्ट की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं दोस्तों, मैंने प्रेडिक्ट किया था इनको कि यार देख सकते हैं इनका जो रिसेंट फॉर्म था, यहाँ पे देखिए 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट, जो कि बिग बैस्ट लीग में गाइस आपने देखा होगा बहुत अच्छी फॉर्म में रहते हैं, विकेट भी लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो यार रिसेंट देखिए पहले मैच इनको कोई विकेट नहीं, उसके बाद लास्ट वाले मैच में 3 विकेट हैं। हेड कोच 3 मैच में 4 विकेट हैं। वेन दोस्तों इनका एक भी मैच नहीं है। टीम में रखने की बात करें तो यार सभी टीम में लेकर के जाना नहीं, क्योंकि 2 मैच लगातार यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैच में कोई विकेट नहीं, उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले में विकेट मिले थे, तो ड्रॉप करने के लिए भी सोच सकते हैं। ज़्यादा टीम में आपको इनको पिक नहीं करना बट गाइस जो कि प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है ठीक है। नथिन लिस्ट की बात करते हैं गाइस, रिसेंट पहला ही मैच था,
बट मैंने आपको टाइम में प्रोवाइड कर दिया था कि मुझे भरोसा था बंदा विकेट लेगा। एंड रिसेंट आपने देखा पहला ही मैच था जिसमें 2 विकेट हैं। एंड रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। एंड यहाँ पे दोस्तों 2 मैचेस फ्लॉप, लास्ट मैच में आपने देखा फिर विकेट इनको मिले। हेड कॉर्ड्स का पहला मैच था जिसमें कि 2 विकेट है गाइस और वेन पे एक भी मैच नहीं है। टीम में रखने की बात करें गाइस तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं ड्रॉप करूँगा इस मैच से। आपको क्या लग रहा है आप बताएं कमेंट्स करके। एंड अगर ज़्यादा टाइम बनाएंगे दोस्तों तभी रखें, क्योंकि इनका रिसेंट कुछ खास इस प्रकार से मैचेस हैं, मुझे रिसेंट मैंने बताया गया, सभी मैचेस में आपको कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं। बेंच जोश इंग्लिश जो कि रिसेंट अगर आप देख रहे हैं कुछ खास नजर नहीं आए, टीम में आते गए तो फिलहाल मेरे हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं। डेविड वॉर्नर टीम में आते गए तो रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है हेड कोच में, 52 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल जो कि आप देखा रिसेंट आए थे बट कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, टीम में आते गए तो फिलहाल सोचेंगे इनके ऊपर, क्योंकि स्पिनर ने भी स्पेल मिलेंगे तो कुछ विकेट मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं गैस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टनगर की तो ये भी स्पिनर है गैस। एंड फिलहाल जो कि अगर हम बात करें टीम में रखना है कि नहीं रखना गाइस, देखिए ये भी कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं है हेड कोच में, 6 मैच में 6 विकेट है। एंड रिसेंट फॉर्म भी इनका अगर देखते तो एडवांटेज यहाँ पे 5 मैच है, सॉरी 5 विकेट है, यहाँ पे 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, तो कंसिस्टेंट ये भी थोड़ा है, मतलब विकेट मिलने के चांसेस हो सकते हैं टीम में आते गए तो आप इनको रख लीजिएगा। आपको ये वन साइडेड भी विन करा सकते हैं बट ओवरऑल भी थोड़ा सा खराब है इनका, 20 में 18 ही विकेट हैं दोस्तों। पिच रिपोर्ट आपने क्लियर कर ली, हेड कोर्ट्स प्लस स्टेट्स विन रिकॉर्ड्स सब कुछ आपने क्लियर कर लिया गए और अब आप जो है खुद से भी टीम बना सकते हैं। बाकी मेरी एक टीम क्या रहेगी जो कि ग्रांड लीग की वो मैं आपको शो करूंगा। एंड फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टॉस के बाद जो कि आप लोग वेट करिए वहां पे आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं दोस्तों। एक टीम का मेरा सिलेक्शन जो कि इस प्रकार से हो सकता है, बाकी देखिए टॉस के बाद जो कि क्लियर करेंगे लाइनअप अनाउंसमेंट के बाद टेलीग्राम चैनल पर। एंड कैप्टन वाइज कैप्टन की अगर हम बात करें इस टीम में तो देखिए मेरे जो टीम का कैप्टन रहने वाला भाई मिचेल स्टार्क के ऊपर मैं फिर से भरोसा करूंगा, क्योंकि ओवरऑल ओडीआई में बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस है, जो रिसेंट भी ठीक ठाक है और हेड कोच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं ये, ठीक है। ये भी हम ट्राई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन दोस्तों, अगर हम बात करें मिचेल स्टार्क के तो आप मिचेल मास या तो मोहम्मद शमी के साथ कर सकते हैं। बाकी एक टीम में आपको मैंने कहा था हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा का भी आपको कर लेना, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं गाइस तो इस मैच में दोनों को बनाइए, आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा गाइस, ठीक है। एंड अगर आपको रिस्क पसंद है तो फिर आप यहाँ पर रोहित शर्मा को भी पिक कर सकते हैं, वो दूसरी टीम में गाइस हम करेंगे। बाकी सेफ जो कि थोड़ा सा हेड कोर्ट्स और विनर कोर्ट्स को देखते हैं जो कि मेरी टीम रहने वाली गाइस इस प्रकार से रहेगी। देखिए मैंने कहा था गाइस स्पिन के लिए पिच थोड़ी सी खास है, तो आप यहाँ पर सेन एबर्ट को ड्रॉप करके गाइस जो है कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हैं, एडम जंबा को भी रख सकते हैं। बाकी सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, वो दोस्तों टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है और कौन सी टीम चेस करती है। होप दोस्तों वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मित्र, नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।